वेलकम फ्रेंड्स, मैं फाइज आज वीडियो को बात करेंगे आपसे गैस एजेंसी मैनेजमेंट के बारे में। ये हमारा दूसरा अपडेट है गैस एजेंसी के ऊपर। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमारा बिजनेस होता है यहाँ पे रिफिलिंग एंड दूसरा जो होता है हमारा वो होता है एमटी गैस का। फ्रेंड्स, इसे जानने से पहले हम ये जान लें कि प्रोसेस ऑफ बिजनेस है क्या गैस एजेंसी में। सबसे पहले यहाँ पे ठीक नॉर्मल परचेज होता है और उसी तरह हम यहाँ पे सेल करते हैं। फ्रेंड, परचेज को हमने दो कैटेगरी में रखा है। परचेज में अगर हम देखें तो फिल्ड इन स्टॉक एंड एम्प्टी आउट। ठीक उसी तरह सेल्स में अगर हम देखें तो दो चीज़ हमने रखा है यहाँ पे, पहला फिल्ड आउट एंड दूसरा जो होता है हमारा एम्प्टी इन। फिर फिल्ड इन से रिलेटेड से ये फिल्ड स्टॉक इन से ये रिलेटेड है। परचेज फॉर सप्लायर, एम्प्टी आउट से हमारा डिपॉजिट फॉर सप्लायर, फील्ड आउट से हमारा सेल्स फॉर बायर एंड एमटी एन से रिसीव फॉर कस्टमर। फ्रेंड, ये सारे प्रोसेस टैली में किस तरह से काम करता है, सो प्लीज टिल द एंड दिस वीडियो एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ टैली पे और टैली पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे जो एंट्री करने वाले हैं वो होते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक परचेज की एंट्री करेंगे। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में और यहाँ से मैं ले लेता हूँ परचेज की वाउचर। मैं यहाँ पे फील्ड इन, जैसे मैंने आपको बताया था परचेस में, यहाँ पे मैं फील्ड इन पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे एक सप्लायर का इनवॉइस नंबर फिल कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पे जो हमारा जो सप्लायर है यहाँ पे भारत गैस में, यहाँ पे उसका लेजर ले लेता हूँ। और इंटर करते हुए हम यहाँ पे आएंगे परचेस पे और हमने जो स्टॉक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखी है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे कि अब मैं दिखा पा रहा हूँ आपको 14.2 एंड 19 केजी, 21 एंड 35 एंड 5 केजी, ये सारे गैस हमारे हम यहाँ पे सप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे एक एक करके सारे सिलेंडर को जितने भी गैस हैं हमारे साइजेस के वो यहाँ पे मैं परचेस कर लेता हूँ और फिर हम यहाँ पे एक बार स्टॉक में देख लेंगे कि वो सारे स्टॉक हमारा टैली किस तरह से हमारे वो रिपोर्ट दे रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे सारे सिलेंडर को एक एक करके मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे सारे गैस की जो साइजें हैं वो सब क्वांटिटी मैं यहाँ पे 100 पीस ले ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे सारे एक एक करके मैं सारे एंट्री ले लेता हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पे सारी रिपोर्ट आपको मैं क्लियरली एक एक वाउचर की एक एक एंट्री की मैं सारी रिपोर्ट आपको दिखा पाऊँ। एंड हमारा जो लास्ट है यहाँ पे 5 kg, मैं यहाँ पे 100 पीस ले लेता हूँ। एंड जो हमारा टैक्स हुआ है यहाँ पे, मैं यहाँ पे टैक्स भी लगा लेता हूँ, CGST एंड हमारा SGST। फ्रेंड, हम यहाँ से परचेज की यहाँ पे एंट्री पास कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ। देखिए, आप देख सकते हैं नीचे स्क्रीन पे हमने यहाँ पे जो टोटल जो हमने यहाँ पे गैस लिया वो 500 पीस हमने यहाँ पे लिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और फ्रेंड, एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप जिस सप्लायर से परचेज कर रहे हैं उसे हम कभी कभी करते क्या है कि हम जितना परचेज करते हैं उसे कुछ क्वांटिटी हम उसे वापस भी करते हैं खाली सिलेंडर। तो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे ऑप्शन रखा है आपके लिए ताकि आप यहाँ पे इजीली आप परचेज के समय में आप उसे सप्लायर को अपना एम्प्टी सिलेंडर आप वापस कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पे एम्प्टी सिलेंडर की आप यहाँ पे एंट्री पास कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे एंट्री एम्प्टी सिलेंडर की नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल अभी परचेज कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे सिंपल यहाँ पे एंटर करते हुए यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं मैं वाउचर को। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा पोस्ट वाउचर के लिए, तो मुझे यहाँ पे पोस्ट नहीं करना है क्योंकि अभी मैं कोई एम्प्टी सिलेंडर मैं भेजना नहीं चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। आइए मैं आपको स्टॉक भी दिखाता हूँ कि हमारा स्टॉक में क्या रिपोर्ट आया। तो चलिए मैं आपको एक टैली पे मैं इसका रिपोर्ट दिखाता हूँ जो हमारा MIS में क्या रिपोर्ट बताता है टैली हमारा। तो फ्रेंड, हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये हमारा रिपोर्ट है MIS में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे डेली पार्टी वाइज रिपोर्ट में मैं आपको स्टॉक दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा फील्ड इन हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं सारे गैस की जो साइजेस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो 100 kg मैंने 19 kg का, 21, 35 एंड 5 kg का, वो सारा यहाँ पे स्टॉक में इन हो गया है। तो फ्रेंड, इसी तरह हम यहाँ पे नॉर्मल टैली में भी हम स्टॉक समरी में भी हम देख सकते हैं कि हमारा स्टॉक क्या बता रहा है टैली पे। जैसे कि आप यहाँ पे रिपोर्ट पे देख रहे हैं, चलिए मैं आपको स्टॉक समरी वाले रिपोर्ट भी दिखाता हूँ जो टैली में स्टॉक समरी का रिपोर्ट होता है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे गैस का यहाँ पे देखिए जितने भी सारे साइजेस हैं, यहाँ पे मैंने जो भी परचेज किया था 500 नोट्स यहाँ पे आ गए हैं स्क्रीन पे, जैसे आप देख पा रहे हैं। ठीक इसी तरह फ्रेंड, हम चलते हैं सेल्स पे। अभी तो हमने परचेज कर लिया, अब हम सेल करेंगे। तो सेल्स में आप यहाँ पे जैसे मैं फील्ड आउट ले रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे स्टॉक निकालने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा फील्ड आउट।
तो फ्रेंड यहाँ पे जो मेरा कस्टमर हो जा रहा है इस बार हमारा राम, मिस्टर राम को हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ सिलेंडर इन्हें सेल करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेल करता हूँ 14.2 केजी वाला जो सिलेंडर है, इसे मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ 2 पीस, एंड जो इसका जो रेट हुआ है यहाँ पे 139। एंड दूसरा मैं यहाँ पे सिलेंडर ले लेता हूँ इनको, जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे 5 केजी का, और मैं यहाँ पे 2 पीस भी ले लेता हूँ इसका, ठीक है। और हम यहाँ पे फ्रेंड एक चीज़ और हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि जब भी कस्टमर मुझे ये देता है तो उसके साथ में यहाँ पे एम्प्टी सिलेंडर भी मैं ले ले रहा हूँ 14.1 का, और 5 केजी का भी आप यहाँ पे सिलेंडर ले सकते हैं, जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं। हमने यहाँ पे जैसे कि एक चीज़ यहाँ पे देख ले कि हमने यहाँ पे दो दो पीस, मैं टोटल यहाँ पे 4 पीस सिलेंडर में दे रहा हूँ, और बदले में एम्प्टी सिलेंडर 14.2 केजी का एक पीस एंड 5 केजी का एक पीस यहाँ पे सिलेंडर हम कस्टमर से रिसीव कर रहे हैं। तो फ्रेंड ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे सिंपली इंटर करते हुए इस वाउचर को यहाँ पे सेव कर लेंगे। फ्रेंड ये आप पोस्ट के लिए पूछेगा तो मुझे यहाँ पे पोस्ट करना है, मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। और फ्रेंड चल के देखते हैं हमारे एंट्री में क्या रिपोर्ट आया, ये मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाता हूँ। जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं MIS रिपोर्ट में मुझे पर्टिकुलर अगर पार्टी का देखना है तो पार्टी वाइज सिलेंडर स्टॉक रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं समरी। जैसे कि मैं मिस्टर राम का देखता हूँ, जैसे कि अभी जस्ट हमने जिसे सेल किया है, तो लेस्ट मैं मिस्टर राम का अगर यहाँ पे लेजर देखूँ तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे 14.2 केजी एंड 5 केजी का सिलेंडर आप यहाँ पे देख सकते हैं। उन्होंने आपने जो उन्हें रिफिल प्रोवाइड किया है, साथ में अपनी एम्प्टी भी कलेक्ट कर लिया, और उसका क्लोजिंग बैलेंस भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रखता है हमारे लिए। फ्रेंड इसी तरह ऑल पार्टी वाइज सिलेंडर स्टॉक समरी आप देख सकते हैं। अगर आप मल्टीपल पार्टी है का अगर हमारा लिस्ट आता है तो फ्रेंड यहाँ पे सारे लिस्ट आपको एक साथ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको एक और रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दिखाता हूँ, जो डेली एक्टिविटी रिपोर्ट होती है हमारी, डेली पार्टी वाइज रिपोर्ट हमारा टैली क्या शो करके दिखाएगा, आइए जान लेते हैं। तो हम यहाँ पे डेली पार्टी वाइज रिपोर्ट में जाएंगे और हम यहाँ पे दिखाते हैं फ्रेंड आपको। इसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पे फील्ड आउट वाले फील्ड इन में जो हमने परचेस किया था, एंड यहाँ पे सेकंड में देखिए फील्ड आउट का सेक्शन है, और सेक्शन में हमें मुझे ये दिखा रहा है कि 14.2 केजी वाला आपने यहाँ पे 2 पीस सेल किया है, और यहाँ पे 5 केजी का भी आप देख सकते हैं 2 पीस सेल हुआ है। और फ्रेंड उसके बिहाफ में जो आपने एम्प्टी इन एक 14.2 केजी वाला 20 केजी वाला आपने 1 पीस एंड 5 केजी वाला जो आपने जो सिलेंडर है यहाँ पे 1 पीस रिसीव किया है। फ्रेंड ठीक उसी तरह हमारा स्टॉक से भी जो निकल गया वहाँ पे 2 पीस यहाँ पे निकल गया। इसके साथ फ्रेंड आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने ये जो सेल किया वो किसको सेल किया। तो मैं यहाँ पे राइट स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे आता हूँ, हेडसेट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको आपने किसे सेल किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका फील्ड इनका टोटल अमाउंट भी यहाँ पे बता रहा है, और साथ में आपको यहाँ पे लेजर भी आपको शो करके दिखाएगा कि आपने किस पार्टी को आपने ये सेल किया है। फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो अमाउंट है यहाँ पे सारा अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, साथ में आपको पार्टी का भी डिटेल आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो फ्रेंड चलिए मैं आपको अभी एक और एक एंट्री पास करके दिखाता हूँ। जब हम कोई सप्लायर से परचेस करते हैं और बदले में उसे खाली सिलेंडर हम अपने सप्लायर को वापस देते हैं तो हम किस तरह से एंट्री करेंगे टैली में, आइए जान लेते हैं। तो फ्रेंड हमको यहाँ पे जाना है परचेस में, और सबसे पहले हम यहाँ पे फील्ड इन की एंट्री करेंगे। मैं यहाँ पे एक परचेस की एंट्री पास कर लेता हूँ, सप्लायर के इनवॉइस नंबर मैं यहाँ पे अभी छोड़ता हूँ। मैं यहाँ पे एक परचेस की एंट्री पास करता हूँ, जैसे कि हम भारत गैस से परचेस कर रहे हैं ऑन 14.2 केजी का, मैं यहाँ पे 1000 पीस यहाँ पे परचेस कर रहा हूँ। तो फ्रेंड 14.2 केजी मैं यहाँ पे परचेस कर रहा हूँ, CGST HGST मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, और बदले में फ्रेंड मैं इसे एम्प्टी सिलेंडर जो खाली जो सिलेंडर है हमारा एम्प्टी गैस, मैं यहाँ पे टोटल 100 नोस मैं इसे वापस दे रहा हूँ। तो फ्रेंड आप यहाँ पे आप एंट्री फिल कर सकते हैं, यहाँ पे आप एंट्री पोस्ट कर सकते हैं, इसे एंड करके मैं यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि हमारा ये हमसे ये पोस्ट के लिए पूछेगा, तो फ्रेंड हम यहाँ पे पोस्ट कर लेते हैं। आइए चल के रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट में हमारा क्या इम्पैक्ट आया। तो हम डेली पार्टी वाइज स्टॉक रिपोर्ट में आप देख सकते हैं फ्रेंड हमारा फील्ड इन में यहाँ पे 1000 पीस आ गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1000 पीस मैंने परचेस किया, और ठीक उसके बिहाफ में हमने यहाँ पे 100 पीस एम्प्टी सिलेंडर उसे वापस किया हमने अपने सप्लायर को।
बट यहाँ से आप आसानी से आप सारे रिकॉर्ड आप यहाँ पे एक स्क्रीन डैशबोर्ड में आपको देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। एंड फ्रेंड, अगर आप ये ट्रेडल अपने कंपनी में बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने यहाँ पे नंबर दिया, आप हमें रिंग कर सकते हैं। एंड बने रहे हमारे चैनल पे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।